तो गोली मर रखी, बेटा एक पोड़ रखी, बेल्ट मर रखी, मेरी बेटी का बुरा हाल कर रखे, उनका भी सहायक करा दियो, चरवा का ननद भी सासु भी। जीन जिले के गतौली गांव से दुखद खबर है। नीलम है जो गतौली गांव की बेटी है, रोहतक के डोब गांव में शादी कर रखी थी, लेकिन उनके पति फौजी ने कश्मीरी लाल ने गोली मार कर जो हत्या कर दी, परिवार का आरोप है। तो नीलम की माता जी है, पूरा परिवार में दुख है, मातम छाया है। तो नीलम की माता बात करें, पर किस तरह की इन्हें स्थिति मिली है, किस तरह से इन्हें पता चलिया है? ताई जी, क्या नाम आपका? ताई जी, किस तरह था अपना पता चला कि नीलम के साथ यह घटना होगी? तड़को ही पता चला हमने तो, तेरी बेटी गोली खाएगी, मैं अपनी ने दाग दे दो। अच्छा, गोली खा गई? हाँ। किसका फोन आया आपके पास? सास का फोन आया है। सास का फोन आया है। मेरा बेटा दो मरादमी दो फोन आया है, बोली गोली खा के अपनी भर को गई थी। किस तरह के हालात है नीलम के, आपने जब जाके देखा? देखा बुरी हालत, गोली मार रखी, बेटा एक पोड़ रखी, बेल्ट मार रखी, मेरी बेटी का बुरा हाल कर रखे, उनका भी सहायक करा दियो, चरवा का ननद भी सासू भी कसम भी ससुरा भी सारे डेटा का, मेरी बेटी की बुरी हालत करके एक कमरे में गे रखी, कपड़े भी बदल दिए, चूड़ी भी बदल दी मेरी बेटी की, चैन काट ली, सब कम काना के भी काट दिए, मेरी बेटी ने मार रखी है, बेटा बड़ा बड़ा कन बजा बजा जूते टूट रहे, भीतर देख का है मेरा परिवार जाए शादी हुई है मेरे लड़के की। आपके लड़के की शादी में फौजी आया था? नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं आया? नहीं, बोला मैंने छुट्टी नहीं मिलती, अरे मान खातर छुट्टी मिल गई बेटा उसकी। शादी कितने दिन पहले थी भाई? ईव थी 7 तारीख की। 7 तारीख की? 6 की, 7 की। हाँ, इस 7 तारीख की थी। और अभी कब आए फिर? कल आए हैं, कल मार गए, मतलब कल ही आए थे। उसकी माँ ने बुला लिया जोधपुर हमें, उसकी माँ ने बुला लिया, बेटी ने नहीं, बेरा मेरी ने एक दिन उल्टी बोल ली थी, बोली उस दिन उल्टा बोल जाए मतलब मैं को पिस्टल काट दूंगा, 4 सालों के पिस्टल ले आए नहीं थी। ताई जी, जब फौजी छुट्टी आ तो पता चल जाए कि उस दिन छुट्टी आओगा, तो आपने पता चला था कि छुट्टी आओगा? बेरा था, मैंने उसकी माँ ने कही थी कि मेरा बेटा छुट्टी चल रहा है, उसकी माँ ने कही मेरा बेटा अगर मेरा आदमी अगर बोली मेरा बिक्की छुट्टी चल आया है बताई है उसकी, और मार का डेट जब बैठ कर चलेगा उसका कुंबा का बैठा के ले गया मोटरसाइकिल पर। नहीं देखा नहीं, हम गए जब बाज के साथ ससुर थे, ननद भी बाज की रोक। नीलम का निशान देखे आपने? हाँ, सारे निशान, सारे आंख फोड़ रखी है, सारे सब निशान है। गात को लो था। तो आपने किस तरह के काम है जी? पहले तो पिट्टी है, बिंडिया के निशान है पूरे शरीर पे, अरे इतना घा पाछा आड़ा गोली तार रखी छोरी का। बच्चे कितने बड़े बड़े? बच्चे कुछ बता पाऊंगे जी? बच्चे हमने पाए को नहीं, 8 साल की लड़की है, 1 5 साल की है, 2 साल का लड़का है, हमने बच्चे पाए नहीं, 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं जी आपके? मेरा 2, एक बेटा एक बेटी थी जी। और जो नीलम है जी, नीलम के सास ससुर क्यों, उनके कितना कौन कौन है परिवार में? उनका एक बेटा एक बेटी, उसे का रंडी का नुए है, रंडी का बस जुकर, मेरे दो एक लड़का एक लड़की, वह लड़के जामनी बैरा की मैम जा रही, वारंटी लौट कर गई है कार में, मेरी बेटी ने मरवा कर चरवा ने मारी है, सारा ने मारी है जी, सारा ने बड़ा बड़ा मारी, बाजी है मेरी बेटी, जूते टूट रहे हैं, चपला तलक। उनके ससुर क्या कर रहे नीलम के? ससुरा फौज मता के घर पे है, वो भी घर पे थे उस दिन? हाँ, वो घर पे था, हमारे जाए पाछा बाजे है, सास भी ससुर भी। आप जब गए हो तो घर पे कौन कौन मिला आपने उनके परिवार का? उसका सासुर ससुरा और कोई नहीं मिला जी, मैं बच्चे भी लको रह के देती। तो आपने क्या लगा, गोली मार रखी है या फिर दवाई खा रही, जो दवाई का नाम गोली मेडिकल में फोन आया, उनका फोन तो आता की दवाई खाएगी है। हाँ, उसका नुका फोन आया था, तेरी छोरी गोली खा गया, दाग दुआ दो, आदमी दो, मेरे बेटे दो फोन कर, तड़के 11 बजे फोन कर, सबूत मिला कुछ गोली मारे जो? हाँ मिला सबूत, लाई पुलिस, पुलिस ले गई है। तो के कार्रवाई था, मैंने उस कार्रवाई चाहू जो कर मेरी बेटी मारी नुए, मारो बेटा उस तीन हुए मरवा दो था, मैं जब जानू था हमने मेरी बेटी मारी नुए मरवा दो चार बार है,
नुए कटवा जो हाथ के लटेटा ने मैंने इतना दे रखा बेटा उसका वो पानी भरिया रंड का फिर भी और पापा आड़त एक दिन पल्ला गई है जानदे मरवाई। एक माँ का दर्द है जो एक 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 बेटी फिर पूरे चाव के साथ जो शादी करी जा बेटी की और माँ का दर्द है यू जो माँ आज तड़फ रही रो रही है तो के कार्रवाई चाहो आप हम ये चाहो जो उनकी तो टांग पा काट कर रोड पर गिर दे ताकि और आगे इस तरह की घटना नहीं घटे। हाँ उन्होंने बेरा पटक के दर्द हो बेटी का मारी बेटी की ऊपर तड़फाई है बजा बजा मारी जी आखिर में गोली मारी है और दाह संस्कार के लिए ताई जी यहाँ ले आओगे फिर वहाँ करोगे। यहाँ लाग रही है मेरी बेटी आड़े है उड़े कौन जान दंदा में मेरा परिवार सारा खड़े है मुद्दा उड़े पड़े हैं लाग रही है। मिले कुनी आपने जब घर नहीं मिली जी मैं लड़का जीता नहीं मारे रे सासुर ससुर आखे हमें गए हमने देख कर वे फरार हो गए हुए कोई नहीं पाया हमने घर और बच्चे पहले घूम कर रखे देखी तो लोग और खे थे हमने नहीं बेरा मतलब तीनों बच्चे आपने देखे नहीं ना को नहीं देखे थे को नहीं उड़े ससुर ससुरे थे आमे बड़े हर वो बाजे है लेकड़ का कितनी देर में आज यहां नेट बोल बस आ लग रही है आन लग रही है चलो पड़ी रोतक है नहीं बचा ले तो कौन फिर लग गए 1.5 घंटा में आ जी ठीक है। तो देखो परिवार तो बात करी है और परिवार आज पूरा दुखी है अगर बात करा दो क्योंकि बेटी का बेटी की शादी जो बड़े चाव के साथ करी जावे लेकिन आज पूरा परिवार दुखी है और न्याय की उम्मीद लगा रहा है कि न्याय मिला अगर अगर इसके साथ अगर गलत हुआ तो न्याय इसने मिलना चाहिए इसकी जांच होनी चाहिए कि पूरा के कुछ मामला है ताकि इस तरह की घटनाएं और ना हुआ और कश्मीरी लाल जी जो फौज में है फिलहाल ऑन ड्यूटी है और छुट्टी आई है आके ने अपनी पत्नी को जो परिवार का मानना है कि गोली मार कर हत्या करी है और मौके से फिर फरार हो गए तो आपके के कुछ सोच आ रहा है अपने कॉमेंट में देने इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करना है। ओके दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम और जो भी अपडेट होगी इसकी वो भी आपको देवांगे।